सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए हैं नरेश यादव भी। नरेश यादव बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले थे। दिसंबर महीने में नरेश यादव एक महीने की छुट्टी पर घर आए थे। दो दिन पहले ही नरेश यादव की उनकी पत्नी से बातचीत हुई थी। फोन पर उन्होंने 27 अप्रैल को घर आने की बात कही थी। 1995 में नरेश यादव CRPF में भर्ती हुए थे। परिवार गम में डूबा हुआ है नरेश यादव की इस तरह से शहीद होने के बाद। अपने घर में जो आपके विरुद्ध आवाज़ उठ रही है उससे निपटने के लिए ठोस नीति होनी चाहिए सरकार को। इससे पहले दंतेवाड़ा में भयानक घटना हुई है, पूरा देश देखा, पुनः आज सुकमा में घटना हो गई, तो कितना नौजवान को शहीद करना चाहती है सरकार, आप तब ठोस कदम उठाई। सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए ना कि अब आगे कम से कम जो घटना हो गई आगे घटना ना हो, और भारत में भारत के कितने नौजवान शहीद होंगे देश के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? ठोस नीति बने सरकार की तरफ से, ठोस नीति हो कि जो नक्सलवाद से निपटने के लिए ठोस नीति बने। ठोस नीति बनाई जाए सरकार की तरफ से ताकि नक्सलवाद से निपटा जाए, ये कहना है परिवार का। नरेश यादव का परिवार गम में डूबा है, लेकिन ये सभी परिवार, इन सभी 25 जवान जो CRPF के शहीद हुए, उन सभी परिवारों के घरों में जहाँ एक तरफ मातम है तो वहीं उनके मन में कई सवाल भी हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह से निपटा जाएगा नक्सलवाद की समस्या से, क्या किया जाना चाहिए और सरकार को करना चाहिए ताकि इस तरह से बार बार देश के जवान यूं शहीद ना हों। यही सवाल हर परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है कि वो जवान जो शहीद हुए उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। यही कहा है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। सरकार 8 मई को बैठक करेंगे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, और एक बार फिर से रणनीति नक्सलियों के साथ निपटने के लिए जो बनाई गई है उसे फिर से रिव्यू किया जाएगा, उस पर फिर से गौर किया जाएगा, क्या उसमें किसी तरह का बदलाव करने की ज़रूरत है या उसे सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।